हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। सो टुडे वी विल डू अ रिवीजन ऑफ चैप्टर 12। सो स्टूडेंट, एज यू नो योर यूनिट टेस्ट विल बी स्टार्ट सून। आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर विच वी विल रिवाइज अवर 12 चैप्टर। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो 12 चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे जो यूनिट टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके लिए जो आपका सिलेबस दिया गया है वो है चैप्टर 10, 11 एंड 12। ये हमका सिलेबस है यूनिट टेस्ट के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। आज से हमारे जो चैप्टर 12 है उसको रिवाइज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को अच्छे से यूनिट टेस्ट करने में हेल्प मिलेगी, अच्छे से आपको पेपर को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर 12, कीपिंग गुड हेल्थ, यानी अच्छी सेहत बनाए रखें। इस ये जो चैप्टर है, हम आज इसको शॉर्टली पढ़ेंगे, इसकी समरी को अच्छे से समझेंगे कि ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो भी उनको भी रिवाइज करेंगे। वी नो दैट गुड हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, सो टूडे टू स्टे हेल्दी वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स। हम लोग जानते हैं कि अच्छी सेहत जो है वही सबसे बड़ी वेल्थ यानी धन होता है, दौलत होती है। अगर हम हेल्दी हैं, फिट हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, कुछ भी है ना गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारी अच्छी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स, और हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, उनको अपनी लाइफ में रूटीन में जो है रखना चाहिए। अगर हम अच्छी सेहत चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें गुड हेल्थ पाने के लिए गुड हैबिट्स को फॉलो करना पड़ता है। वी मस्ट हैव गुड हैबिट्स, हमारी कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए। दे हेल्प अस टू ग्रो एंड टू बिकम हेल्दी, और यही गुड हैबिट्स जो हैं, अच्छी आदतें जो हैं, ये हमें ग्रो होने में और हेल्दी रहने में हेल्प करती हैं। क्या करती हैं, दे हेल्प अस टू ग्रो एंड बिकम हेल्दी, हमें हेल्दी रहने में, हेल्दी बनाए रखने में और अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करती है। लेकिन क्या, जब हेल्प करेंगे, जब हम इन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे, इनको अपने रूटीन में फॉलो करेंगे, तब मॉर्निंग में जल्दी उठना, ब्रश करना, कॉम करना, बात करना और हेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज करना, ये जो सारी गुड हैबिट्स हैं, अगर हम इन्हें रूटीन में अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ये हमें ग्रो करने में हेल्प करेंगी, प्लस बिकम हेल्दी, और ये हमें हेल्दी बनाएंगी, क्या करेंगी, हमें हमारी हेल्थ को अच्छा बनाएंगी। गोल्डन रूल्स फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, गुड हेल्थ पाने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं। हैव गुड फूड, मेंटेन क्लीनिनेस, एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक प्रॉपर रेस्ट। अब देखिए, अगर आपको अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखना है, कीप आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ गोल्डन रूल्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, हैव गुड फूड, अच्छा खाना खाएं। मेंटेन क्लीनिनेस यानी सफाई को मेंटेन करें, अपने आसपास, अपनी बॉडी, अपने घर, हर जगह की हम सफाई रखेंगे, तभी हम एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। अब एक है ना, एक अच्छी सेहत को पा सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम एनर्जेटिक बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, जिससे हम बिना थके बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना एंड टेक प्रॉपर रेस्ट, और प्रॉपर रेस्ट करना, जिस तरह से हम हमारी बॉडी को थकाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसी तरह से हमारी बॉडी को रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, सोएंगे, बॉडी को आराम कर देंगे, तो हमारी बॉडी दोबारा से काम करने के लिए प्रिपेयर होगी, तैयार होगी और अच्छे से काम कर पाएगी। सो यहाँ कुछ जो गोल्डन रूल्स हमने पढ़े हैं, चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। ईट हेल्दी फूड,
अच्छा खाना खाइए. फूड हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, इट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फूड जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रो करने में यानी मजबूती के साथ बढ़ने में हेल्प करता है. जब आप अभी छोटे हैं, आप फिर बड़े होंगे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अच्छे से अच्छा खाना खाएं, हेल्दी और फ्रेश फूड खाएं, जिससे आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो और आप हेल्दी ग्रो करें. और ये फूड जो है हमें क्या देता है, इट गिव अस एनर्जी. ये हमें एनर्जी भी देता है जिससे हम बिना थके वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. वी मस्ट ईट न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड. हमें हमेशा न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड ही खाना चाहिए. न्यूट्रिशियस फूड मीन्स ऐसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये सब कुछ हो, ऐसा फूड हमें खाना चाहिए. और हेल्दी फूड खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे, स्ट्रॉन्ग बनाए. एंड वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर. और अच्छे खाने के साथ साथ हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए, मतलब हमें हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी हमारे स्टमक को, लंग्स को ख़राब कर सकता है, हमारी स्किन और के लिए भी अच्छा नहीं होता. अगर हम गंदे पानी में खेलते हैं या नहाते हैं तो वो हमारी स्किन को ख़राब कर देता है. इसलिए हमें हमेशा वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर. और हमें क्लीन वाटर ही पीना चाहिए और क्लीन वाटर से ही नहाना चाहिए. हैबिट ऑफ क्लीनिनेस. अब इसके अलावा हमें हैबिट होनी चाहिए क्लीनिनेस की, यानी हमारे आसपास हमें सफाई रखने की आदत होनी चाहिए कि हम हमारी बॉडी को भी क्लीन रखें और हमारे घर और हमारे नेबरहुड को भी क्लीन रखें. वी मस्ट क्लीन अवर बॉडी. हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए. वी मस्ट हैव बाथ एवरी डे. हमें रोज़ नहाना चाहिए. वी मस्ट वियर क्लीन क्लोथ्स. हमें क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए. वी मस्ट कीप अवर हेयर, टीथ एंड नेल्स क्लीन. और हमें हमारे हेयर, टीथ एंड नेल्स को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. कुछ भी खाने से पहले और खाने के बाद हमें हमारे हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि हमारे हैंड्स में कोई जर्म्स ना रहे और वो हमारे बॉडी के अंदर ना जाए. क्योंकि अगर जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी को ख़राब करेंगे, हमें बीमार बना देंगे. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें हमारे टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ताकि रात भर में जो हमारे मुंह में जर्म्स थे वो क्लीन हो जाए. एंड रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे जो दिन भर हम जो भी खाते हैं वो उनके कुछ भी सब्सटेंस को जिस है ना पार्टिकल्स हमारे टीथ में ना रहे, वरना हमारे टीथ में कैविटीज़ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वी मस्ट कॉम अवर हेयर. और हमें हमारे हेयर्स को भी कॉम करना चाहिए, जिससे उसमें जितने भी टेंगल्स होते हैं और डस्ट होती है, गंदगी होती है, वो सब रिमूव हो जाती है. एंड कॉम करने से हमारी जो स्कैल्प होती है, हेड होता है हमारा, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, जिससे नए हेयर ग्रो करते हैं. आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि हम जब हेयर कॉम करते हैं तो सिर्फ हमारे हेयर्स को क्लीन और मेंटेन करने में वो हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि हम जब हमारे हेयर्स को कॉम करते हैं और कॉम हमारी स्कैल्प पे चलता है, तो वो हमारे स्कैल्प का यानी हमारी जो खोपड़ी होती है, इसका ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे हमारी स्कैल्प में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से हमारे हेयर जो है हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है. इसलिए हमारे हेयर्स को हमें कॉम करना चाहिए. एक्सरसाइज एंड रेस्ट. एक्सरसाइज मेक अस फिट. अब हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज मेक अस फिट. एक्सरसाइज हमें क्या बनाती है, फिट बनाती है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है, जिससे हम बिना थके बहुत सारा काम कर सकते हैं एंड एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है. एक्सरसाइज मेक अस फिट, एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. वी कैन वर्क एंड प्ले मोर. हम इसकी वजह से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक खेल सकते हैं. वी डू नॉट गेट टायर्ड. और हम थकते भी नहीं हैं. वी शुड टेक रेस्ट एवरी डे. हमें एवरी डे प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए.
फॉर हेल्दी बॉडी प्रॉपर स्लीप इज नीडेड। हेल्दी बॉडी के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर स्लीप देते हैं, प्रॉपर रेस्ट देते हैं, तो आप अपनी बॉडी को नेक्स्ट डे के लिए और आगे जितने भी काम हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार करते हैं। विदाउट प्रॉपर स्लीप वी कैन फॉल सिक। और अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, कंटिन्यू अपनी बॉडी को थकाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। वी मस्ट स्लीप एंड राइज अर्ली। और हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। तो स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को कि हमारा जो चैप्टर 12 है उसमें हमें क्या बताया गया है कि हम हमारी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कीपिंग गुड हेल्थ, हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए रख सकते हैं, किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। हम हेल्दी रह सकते हैं जब हम अच्छा खाना खाएंगे, ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाते हैं। जब हम फ्रेश फूड और हेल्दी फूड खाएंगे तब हम हेल्दी रह सकते हैं। हैबिट ऑफ क्लीनिनेस, क्लीनिनेस की हैबिट डाल के जब हम अपने आसपास और अपनी बॉडी और अपने नेबरहुड और हमारे घर को हम क्लीन रखने की हैबिट रखते हैं कि हम हमारे आसपास सफाई रखने की आदत को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तब हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। एंड डेली अगर एक्सरसाइज और रेस्ट करते हैं तो भी हम हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दीज आर सम हैबिट्स विच वी फॉलोड इन आवर डेली लाइफ, वी कीप आवर बॉडी हेल्दी। क्या कर सकते हैं अगर हम इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो हम हमारी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी अगर आपसे यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस किए जाएंगे तो आप लोग उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। नाउ अब बात करते हैं हमारे यूनिट टेस्ट के सिलेबस की। तो चलिए देखते हैं क्योंकि यूनिट टेस्ट आने वाले हैं जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। सो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर यूनिट टेस्ट आ रहे हैं तो सिलेबस क्या होगा हमारे यूनिट टेस्ट का। तो आज की क्लास में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपका जो यूनिट टेस्ट का सिलेबस है वो क्या है। तो आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे आपकी ही बुक के चैप्टर 10, 11 एंड 12। कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर 10 गुड हैबिट, चैप्टर 11 सेफ्टी हैबिट्स एंड चैप्टर 12 कीपिंग गुड हेल्थ। ये तीनों चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे। दिस इज़ द सिलेबस ऑफ योर यूनिट टेस्ट। इन तीनों चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है। अब कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर देंगे ये देखिए। तो जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हमें किस तरह से हमारे चैप्टर को प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह इन चैप्टर्स में क्या आया है, क्या क्या आपको बताया गया है। इन चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 पेज नंबर 64 एंड 65 पे देखिए आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लर्न करने हैं। यहाँ पे दिया गया है राइट एनी थ्री गुड हैबिट्स दैट यू फॉलो, ये वाला क्वेश्चन है, इसे प्रिपेयर करना है। इसके बाद ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, टिक द राइट फॉर गुड हैबिट एंड क्रॉस टू द बैड, बैड हैबिट और गुड हैबिट बताना है और राइट एंड क्रॉस का टिक करना है। उसके बाद यहाँ आ रहे हैं कुछ पोलाइट वर्ड्स। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से समझ के और इन्हें लर्न करना है। इसके लिए सबसे पहले आप चैप्टर को रीड करिएगा, देन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम इसी तरह आपको चैप्टर 10 को भी अच्छे से चैप्टर 11 को भी अच्छे से रीड करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मार्क राइट एंड क्रॉस एंड फिल इन द ब्लैंक, ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इनके आपको अच्छे से आंसर्स देना है। इन्हें अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपसे यूनिट टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाए तो आप उनको अच्छे से आंसर कर सके। इसके लिए देन आता है हमारा चैप्टर 12। चैप्टर 12 में भी हमें यही करना है, पहले हमें चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है,
उसके बाद चैप्टर में देखिए चैप्टर 12 पेज नंबर 77 पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। पेज नंबर 78 पे आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। क्या करना है? चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से लर्न करना है। तो आपको अपने यूनिट टेस्ट के लिए और अपने यूनिट टेस्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स गेट करने के लिए चैप्टर 10, 11 एंड 12 को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जब आप यूनिट टेस्ट दें तो उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।